अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब चंद दिनों का यानी कि 3 दिनों का वक्त बाकी और ऐसे में अब अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। आप देखें तो यहाँ पर तमाम जो कमांडोज हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर, इसके अलावा आप देखें तो ये ब्लैक गाड़ियां और इसके पीछे अगर आप देखें तो पूरा बख्तरबंद गाड़ियों का समूह आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और ये देखिए लगातार सायरन बजाते हुए पूरा ये जो ATS की टीम है, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है उसके जवान आपको ये बख्तरबंद गाड़ियों के साथ और इसके अलावा पूरा जवानों का काफिला आपको यहाँ से तस्वीरों में नजर आता होगा। और अयोध्या में अभी भी फिलहाल बहुत भीड़ है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये अयोध्या जो है और उसके आसपास के इलाका पूरी तरह से संवेदनशील है और ऐसे में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई खामी ना हो, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर दुनिया भर की तमाम नामचीन हस्तियों के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब ATS के कमांडोज की तैनाती की गई है जो लगातार अयोध्या के पूरे इलाके में गश्त दे रहे हैं। वीरेंद्र देवेंद्र मिश्र के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, भारत, अयोध्या।